जांस्कर में आज मेरी पहली सुबह थी और मानो जैसे एक अलग सी खुशी ने मुझे छू लिया था। इस जगह की हर बात में सुकून है, यहाँ की हवाओं में, यहाँ के लोगों में और यहाँ तक कि यहाँ गुजर रहे वक्त के हर एक लम्हों में। मैं हूँ आज पदुम में, जैसा कि आपको पता है पदुम इज़ द मेन टाउन ऑफ जांस्कर वैली। मैं यहाँ पे कल शाम को पहुँची थी और पदुम को बेस बना के मी एंड टाशी वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। टाशी से हाय। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल द नियर बाई विलेजेस एंड मॉनेस्ट्रीज। मैं जा रही हूँ पदुम से कारशा, कारशा विलेज, वहाँ पे जांस्कर वैली की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। पदुम जो टाउन है, इट यूज़ टू बी वन ऑफ द टू कैपिटल्स ऑफ जांस्कर किंगडम। पदुम इज़ वन एंड देन जांगला इज़ द सेकेंड वन। जांस्कर वैली में लाइफ लिटरली रिवॉल्व्स अराउंड द मॉन्क्स एंड द मॉनेस्ट्रीज। यहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट पदुम का जो नाम है पदुम, वो गुरु पद्मसंभवा उनके नाम पे रखा गया था। एंड गुरु पद्मसंभवा इज़ द 18th सेंचुरी मास्टर तिब्बतन गुरु। तो अब निकल रही हूँ कारशा जाने के लिए, रियली एक्साइटेड। Travel with a photographer and as drone pilot, कहीं भी रुक के drone shot लेते हैं, कहीं भी रुक के photos लेते हैं। पदुम के बारे में लोग सोचते हैं, इनफैक्ट जांस्कर वैली के बारे में भी पीपल थिंक दैट इट्स अ पार्ट ऑफ लेह। इट इज़ नॉट। इनफैक्ट देर आर टू डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, लेह डिस्ट्रिक्ट एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। जांस्कर वैली कम्स अंडर कारगिल डिस्ट्रिक्ट। एक बार बोलो टाजी 5 बजे उठना। टाजी सही कि हम लोग कल से सुबह जल्दी उठेंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर वर्क थोड़ा जल्दी। दिस गाइस फॉरगेट टेकिंग द टाइम ऑफ 5 AM और 4 AM पर्सन। मैं उठाती हूँ ना कल सुबह, कितने बजे उठना है? 4 बजे नहीं उठना। नहीं मैं तब सनराइज देखेंगे संस्कार का। Can we just take a moment, pause here and appreciate this wonderful view of the Trans-Himalaya? I'm almost at Karsha Monastery. यहाँ पे है monastery and luckily we have a road here, तो हमें trek करके नहीं जाना पड़ा, which was my worry शुरू में, क्योंकि धूप बहुत बहुत तेज हो रही है। मैं कहती हूँ ना, there are two types of धूप, येलो धूप और वाइट धूप, बिल्कुल सफेद धूप, ये सफेद वाली धूप है। सो वी हैव रीच्ड कारशा मॉनेस्ट्री। कारशा मॉनेस्ट्री जो है वो जांस्कर का लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉनेस्ट्री दे कॉल इट। 10th सेंचुरी में बनी हुई है। थोड़ी सी चढ़ाई इधर और इतनी धूप में ये चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट लग रही है। जुले was asking your name. Oh, Priyanka. Priyanka. Acha. Mm-hmm.
जिले आप लोग कहाँ से? मैं ले से आया उसके साथ। घर कहाँ है आपका? मेरा शिमला। शिमला मिर्ची। फूड इज सो सिंपल एंड येट सो टेस्टी। दाल बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। नाम बताओगे यहाँ पे कब से रह रहे हो? एक साल हो गया। अभी पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? क्या क्या पढ़ रहे हो? हिंदी इंग्लिश साइंस सब। मुझे तो साइंस नहीं आती। The statue one you can see on this pillar, yeah. And just inside that frame, okay, is the statue of Gyawa Tsongkhapa. Gyawa Tsongkhapa is the founder of Gelugpa school. Gelugpa school. You know, in Tibetan Buddhism, we have four major branches, and Gelugpa is one of them. So every these branches have their own founder, okay. Like Guru Rinpoche is the founder of Nyingmapa. Likewise, the Gyawa Tsongkhapa is the founder of Gelugpa tradition, Gelugpa school of thought. And this monastery comes in Gelugpa school? Yes, Gelugpa school, yes. Because this is a monastery, so I'm not going to be very loud here. But a couple of things I wanted to share with you all. There are 7,200 monks who live inside this monastery. Today I got really lucky. मैं लंच के टाइम पे आई थी एंड दे ऑफर्ड मी द फूड एंड इट वाज वन ऑफ द टेस्टीएस्ट मील्स आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। अभी मॉनेस्ट्री के अंदर मैं प्रेयर करके आ चुकी हूँ। वन थिंग आई वांटेड टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये मॉनेस्ट्रीज में भी जो मॉन्क्स की लाइफ होती है ऑब्वियसली वो डोनेशन से चलती है। तो इन केस यू आर कमिंग टू द मॉनेस्ट्रीज, प्लीज़ फील फ्री टू डोनेट मनी वट एवर यू कैन। इट्स गोइंग टू गिव यू द बेस्ट फीलिंग एवर। You will feel that you have been a part of something good. So please, जब भी यहाँ पे आओगे आप monastery में donation ज़रूर से ज़रूर करना। And right outside the prayer hall, main prayer hall, look at the view. You know, at one point I felt so overwhelmed that I literally had tears in my eyes. I still cannot believe that I am standing in Zanskar at Kasha Monastery. And a very unique thing I came to know at this monastery ki yahan pe mummy hai. If you guys have seen my Spiti series, I had taken you all to Gyo Monastery in Spiti, where we had seen a 500 years old mummy, natural mummy. That's the only natural mummy India has. Is monastery mein bhi mummy hai? I didn't know. This was like totally a surprise for me. कौन सी क्लास है ये? Yes, दो है। दो क्लास? दो 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 क्लास का है। दो चिका में दो क्लास, एक क्लास चिका में तो चर्चो मेरा तो बना चर्चो। ये स्कूल है? हाँ। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पे होगा कितना में हुआ? 21 यस। और कितने क्लासेस हैं? फाइव क्लास था।
उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे जाएंगे वहाँ प्रतिदिन फोटांग। कहाँ है ये? प्रतिदिन पार में। अच्छा, उसके बाद लेने जाएंगे ले थैंगी लोट ट्रक में ले। हाँ जी, चलो लेट्स सेट टुगेदर चीज और हिंदी में पनीर। बाय 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 बाय। और मेरा नाम पता है? हाँ बताओ। प्रियंका प्रियंका प्रियंका। बाय बाय से मैं मुझे पता है। बताओ। शिमला शिमला से, शिमला मिर्ची से। शिमला मिर्ची से। बाय बाय। द बॉयज आर कॉलिंग मी शिमला मिर्ची। बाय बाय। डे वॉज वेल स्पेंट एट काशा मॉनेस्ट्री। अब मैं मॉनेस्ट्री से निकल रही हूँ एंड वी बोथ मी एंड टाशी आर गोइंग टू दिस काशा विलेज। चोमोस मतलब? नन। ओया, आई रिमेम्बर स्पीति में मिली थी। जांस्कर इको लॉज। जुले जुले ठीक हो जी? बहुत अच्छी हूँ। This place called Zanskar Eco Lodge. हम सोच के आए थे कि हम यहाँ पे चाय और मैगी लेके चले जाएंगे, मैं इन खा के, but here we have a complete full fledged meal. There's rice, दाल, salad और आलू की सब्जी. Got curd along with the lunch here and I'm told this कि Zanskar में dairy products are very famous. In fact, Zanskar is famous for its dairy products. क्या क्या बनाते हैं डेयरी में यहाँ पे? ये पहले तो घर में गाय पालते हैं, बहुत सारे गाय होता है, वो जमो का दूध होता है ना। लोग बोलते हैं याक का दूध, याक का मिल्क बोलता है, हमारा तो जमो का बोलता है। जमो मतलब? वो फीमेल है ना, वो दूध जो है ना फीमेल से होता है ना, याक का बोलता है ना, याक। तो ये फीमेल याक है या काऊ है? फीमेल याक है। अच्छा, फीमेल याक का मिल्क है। ओके, पहले तो दूध निकालना पड़ेगा, फिर दूध को गर्म करना होता है, फिर दही बनाते हैं। फिर दही बनाते हैं। तो सिर्फ दही बनाते हैं या चीज वगैरह भी बनते हैं? दही बनाता है, फिर पनीर बन जाते हैं दूध का। तो ये जो मैंने जो अभी ये वाला पनीर जो खाया, ये याक मिल्क है? पनीर याक मिल्क लोकल का। ओके, और जैसे पहले जांस्कर से बाकी की जगह लद्दाख में मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई होते थे, तो अभी भी होता है क्या? होता है अभी भी, फिर डाई चीज बनाते हैं ये दूध का। दही चीज? ड्राई चीज होता है। अच्छा, ड्राई चीज, वो थूपा में लगाते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है याक चीज, मैंने नेपाल में खा रखे याक चीज, चुटपी बोलते ना। हाँ, चुटपी चुटपी। आप बनाते हो वो? मुझे तो बहुत पसंद है चुटपी। सो ऑल्दो आई केम टू दिस प्लेस टू हैव लंच, लेकिन काशा में अगर आप रुकना चाहते हो तो दिस इज अ वंडरफुल प्लेस, इट्स कॉल्ड जांस्कर इको लॉज। और यहाँ पे पर डे का जो चार्ज है दैट्स 3000 रुपीज पर रूम, सो टू पीपल कैन शेयर द रूम अलॉन्ग विद द मील। आफ्टर एन ऑसम लंच अब हम प्लान करें काशा विलेज जाने का, लेकिन यहाँ पे जांस्कर में एक चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा, और शाम होते होते इट गेट्स सो विंडी। इनफैक्ट मेरे कैमरे पे अभी माइक भी नहीं है, इवन इफ आई पुट द माइक आई एम श्योर वो वॉइस इतना ज़्यादा, मतलब विंड की वो गश सुनाई देगी। मौसम वैसे बहुत अच्छा हो गया है, अब शाम हो गई तो धूप ख़त्म, so no more wearing hats. Tashi is a very good singer also. Google to chera hatao. Chalo ek gana Mohit Chauhan ka. Dubha dubha rehta hoon aankhon mein teri, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, अब दिन गुजरते नहीं रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं,
हो आजा ना जा बेवफा। थैंक यू। You're such amazing bunch of friends I have. Tashi is a very good in photography. Drone pilot bhi hai. इतनी अच्छी ड्राइविंग करते हैं लाइक मुझे बिल्कुल सही सलामत यहाँ तक पहुँचा चुका है ज़ांस्कर वैली। एक चीज़ नहीं कहा। And then he's a very good singer. क्या बच गया? गिटार। Oh yeah. वो गिटार भी बहुत अच्छा बजाता है। मैंने इसको बोला था ज़ांस्कर आओगे तो साथ में गिटार लेके चलना। मैं ले में पूछना भूल गई एंड इसने मेरे को गच्चा दे दिया उधर। Till now I knew कि ट्रांस हिमालय इज अ रेन शैडो जोन, लद्दाख एंड ऑल यहाँ बारिश नहीं होती है, लेकिन मैं जब से आई हूँ, इनफैक्ट द डे आई लैंडेड इन लेह इट वॉज रेनिंग, और आज पदुम में भी बारिश हो रही है, और ये जगह, मैन आई एम अबाउट टू रीच काशम विलेज, लेकिन कैन यू हियर दिस एंड द बैकग्राउंड इज सो ब्यूटिफुल। Like cloudy green, and there I can see the glacier there, peaks, it's just looking way too gorgeous, beautiful. मतलब मैं भगवान को कितनी भी बार थैंक यू बोल दूँ ना, मुझे लगता है वो कम ही होगा। इतनी सुंदर जगह पे मैं पहुँच चुकी हूँ, दिल से आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। Guys, what a beautiful day it was. मैं काशा विलेज नहीं जा पाई अंदर तक क्योंकि it started raining, तो अब मैं अपने होमस्टे में पहुंच चुकी हूँ। और नेटवर्क के बारे में बता दूँ, I have BSNL but वो काम नहीं किया, but Jio का नेटवर्क ठीक ठाक आ रहा है, as in you can make calls but internet is little slow, so अपने accordingly you can plan. बाकी I think I look very 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 exhausted. Has such a fulfilling day. तो आज ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टुमारो आई एम हेडिंग टू मे बी जांगला, तो नेक्स्ट वाले व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वाले व्लॉग में आपको जो सबसे फेवरेट पार्ट था डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसको पढ़ पढ़ के और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आ गया नेटवर्क, नहीं आया ना? और मुझे मुंह टेढ़ा करोगे? आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, डोंट टेक पंगा विथ मी। समबडी गॉट अ सिम, और देखो भाव खा रहा है कितना। नेटवर्क तो आएगा नहीं। देसी गर्ल ट्रैवलर चैनल खोलो, देखो तुरंत लोड होएगा।